आपको इलायची और जिंजर की मिलेगी, और इसमें आप चाहे तो अगर डाइट कर रहे हैं तो शुगर का जगह आप गुड़ का पाउडर यूज कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा हनी डाल लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। पर अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं तो 1/2 कप आप शुगर ले लेंगे और 1 कप आप मैदा ले लेंगे। मैदा की जगह आप आटे का यूज कर सकते हैं, तो मैं आज मैदा का यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें इसको सेल्फ कर लेंगे, छान लेंगे। अब हम इसमें अदरक का घिस के आपको डालना है, 1 या 2 टेबल स्पून डाले तो और भी अच्छा है। और आप ओवन को 180 सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद फिर हम सेम टेम्परेचर पर इसे बेक करेंगे 12 से 15 मिनट। तो चलिए फिर हम इसको घिस के डाल लेते हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे 1 टेबल स्पून, आप उसमें मिला लीजिए अच्छे से। हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लेंगे। अब हम इसमें ठंडा बटर डालेंगे, वो भी इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब आपने हथेली से अच्छे से इसे क्रम कर लीजिए, क्रम की टेक्सचर में आ जाए। तो ये देखिए, आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून मिल्क डालना है, बाकी ऑयल और बटर से ही आपको ऐसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। आप अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि आपस में ये जुड़ जाए। उसके बाद फिर आप फॉइल वाले पॉलिथीन से कवर करके रख देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का या थोड़ा ज्यादा चाहते हैं तो शुगर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, पूरा हमारा बाइंड हो गया है अच्छे से। अब हम इसे पॉलिथीन में कवर करके और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसे कुकी कटर से काटेंगे। इसके जरिए आटे का भी यूज कर सकते हैं। और आप पाउडर शुगर मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है और 1 कप मैदा लिया है, और इसमें इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून और अदरक 2 टेबल स्पून डाला है इसके, और बटर यहाँ मैंने पूरा आधा यूज किया हुआ है। चलिए फिर अब हम इसे फाइल से कवर कर लेते हैं ताकि ये सख्त हो जाए और हमें आसानी हो कुकी कटर से काटने में। अब आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।